नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए नुपुर शर्मा के बयान ने बवाल मचाया हुआ है। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने भले ही सफाई दे दी हो, माफी मांग ली हो, लेकिन विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पिछले शुक्रवार को भारत के अलग अलग कोनों से हिंसा की खबरें सामने आई। ये हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी, आगजनी सिर्फ एक बयान को लेकर हुई। इस पर हर किसी को पहले से शक था। भारत जैसे शांतिप्रिय देश में इतनी अराजकता कहां से आ गई, ये देखकर सब हैरान थे। हालांकि जो सवाल जहन में उठ रहे थे, उनके जवाब अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि भारत में दंगे भड़के नहीं बल्कि भड़काए गए हैं। इसके पीछे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई कि पैगंबर विवाद को बड़ा बनाते हुए अराजकता फैलाई जाए। DFRAC ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान से लगभग 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स ने फेक न्यूज शेयर की और दंगे भड़काने की कोशिश की। सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान में बैठे बैठे भारत में हिंसा फैलाने की साजिश को अंजाम कैसे दिया गया। इसके लिए सर्वे किया गया। सर्वे में पाया गया कि हिंसा भड़कने से पहले सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगेंडा चलाया गया। ऐसे ऐसे पोस्ट किए गए जिनसे मुसलमान भड़क गए। सोशल मीडिया पर इस विवाद और हिंसा से जुड़े जितने भी पोस्ट किए गए या फिर हैशटैग्स चल रहे हैं, उसमें कमेंट करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी यूजर्स हैं। यानी पाकिस्तान से बैठकर एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। DFRAC यानी डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की एक नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 60,000 से ज्यादा ट्विटर यूजर्स के नेचर ऑफ पोस्ट और कमेंट बिहेवियर अग्रेसिव पाए गए। एनालिसिस करने पर यह भी पाया गया कि इन 60,000 में से ज्यादातर यूजर्स के नॉन वेरिफाइड अकाउंट्स थे, जिन्होंने इस मामले से जुड़े ज्यादातर हैशटैग्स का इस्तेमाल किया। इनमें 7100 लोग तो सीधे तौर पर पाकिस्तान के ही थे। यानी भारत में जन्मे इस विवाद को पाकिस्तान से हवा दी जा रही है। बता दें, इन अकाउंट्स में 3,000 सऊदी अरब से थे, 2,500 अकाउंट भारत से थे, 1,400 मिस्र से और 1,000 अमेरिका और कुवैत से थे। DFRAC ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल समेत कई न्यूज चैनल्स ने भारत के खिलाफ कई गलत खबरें चलाई हैं। अब जैसे पाकिस्तान के ARY न्यूज ने चलाया था कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा कर दी, जबकि रिपोर्ट में पाया गया कि मुफ्ती ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की आलोचना की थी और सभी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड शुरू करने की बात नहीं की थी। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने बीजेपी से निकाले गए नवीन जिंदल को लेकर गलत दावा किया। उन्होंने नवीन जिंदल को बिजनेसमैन जिंदल का भाई बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी, 3 शहरों में सिर्फ 30 मिनट में जमकर उत्पात मचा। इनमें सहारनपुर, प्रयागराज और मुरादाबाद शामिल है। प्रयागराज में जुमे की नमाज 1 बजे शुरू हुई, 1:30 बजे उपद्रव शुरू हुआ। सहारनपुर में 1:30 बजे जुमे की नमाज हुई, 2:10 पर हंगामा शुरू हुआ। ऐसे ही मुरादाबाद में 1:30 बजे जुमे की नमाज हुई और फिर 2 बजे हंगामा हुआ। DFRAC की रिपोर्ट में ऐसे ही नफरत फैलाने वाले तत्वों का खुलासा किया गया है। इस हिंसक प्रदर्शन में पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। इसका मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके घर पर भी बुलडोजर चला है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रची हो। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी खुलासा हुआ था कि कुछ पाकिस्तानी लोग भारत को प्रभावित कर रहे थे। खैर, फिलहाल भारत में तो जहां जहां हिंसा हुई उसकी जांच चल रही है, आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पूरे विवाद में जिस तरह से पाकिस्तान का हाथ सामने आया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।